चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबलतम ऑक्सी कारक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। आयरन यानी लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर डी कच्चा लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 3 बात है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 बात है। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर सी लाहौल एवं स्पीति, ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत के मैदान। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का पूर्वी तट। क्वेश्चन नंबर 5 पाएंगे। निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 BN गाडगिल, ऑप्शन नंबर बी BK आरवी राव, ऑप्शन नंबर सी PC महान लोविस, ऑप्शन नंबर डी CN वकील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PC महान लोविस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के, ऑप्शन नंबर सी दोनों सदनों के अलग अलग, ऑप्शन नंबर डी दोनों सदनों की संयुक्त की बैठक में। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बालकों की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी USA, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 11 बात है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, शून्य की खोज किसने की। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 वराह मिहिर, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी भास्कर, ऑप्शन नंबर डी उपयोग कोई नहीं। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 एड्स, ऑप्शन नंबर बी अन्ना कुर्निकोवा, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी डॉन। 13 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एड्स। एड्स मानव में बीमारी होती है विषाणु के चलते। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। SIT सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर बी विलिकेंस, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर विलियम जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं।
भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 32। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को लेकर ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अटलांटिक। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 19, राइबोसोम्स की रचना होती है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए डीएनए तथा प्रोटीन्स में, ऑप्शन नंबर बी आरएनए तथा प्रोटीन्स में, ऑप्शन नंबर सी आरएनए तथा अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर डी आरएनए तथा डीएनए में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आरएनए तथा प्रोटीन्स में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, बायोचिप में क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आरएनए, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी आरएनए तथा डीएनए, ऑप्शन नंबर डी आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर सी मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी गंगा मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कानपुर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी किराना, ऑप्शन नंबर डी आगरा। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारस। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर मेला, ऑप्शन नंबर बी थार मेला, ऑप्शन नंबर सी कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी पुष्कर मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी पुष्कर मेला। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद हलीम, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो आम, ऑप्शन नंबर सी मगी पान, ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग चाय। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए अजीम प्रेम जी, ऑप्शन नंबर बी एन आर नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी प्रवीण महापात्रा, ऑप्शन नंबर डी राजीव सिकरी। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन आर नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? ऑप्शन नंबर ए नानाजी देशमुख, ऑप्शन नंबर बी भूपेन हजारिका, ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सहजानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर बी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर डी स्वामी नारायण।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री श्री रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 30 स्थान पर है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए 150वां, ऑप्शन बी 81वां, ऑप्शन नंबर सी 161वां, ऑप्शन नंबर डी 88वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 161वां। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मोहम्मद समी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को मिला। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर बी संजीव, ऑप्शन नंबर सी रामदास मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी शिव शंकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी संजीव। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण समारोह के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन मेक चेक, ऑप्शन बी ऑपरेशन बाल बचा, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन संकल, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन नमस्ते। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन मेक चेक। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर बी ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर सी अजय देवगन, ऑप्शन नंबर डी रणवीर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ऋतिक रोशन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने का पहला राज्य बना। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, इंटरनेट पर साइबर अपराधियों के अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता। ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी आईपी एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर डी एनोनिमिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एनोनिमिटी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए आज का सेट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।